दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 257 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं सी गॉड को, जो कि सी गॉड यहाँ की पूरी जगह को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं जैसे ही वह अपना पूरी ही डोमेन को रिलीज करते हैं, टेंशन महसूस करता है, उसके चारों तरफ पूरी तरह से ओशियन क्रिएचर आ गए हैं। इधर इसके बाद सी गॉड टेंशन को एक पजल के अंदर बंद करते हुए बताते हैं, तुम्हें इस टेस्ट के अंदर हो सकता है कई तारीख के दर्द को बर्दाश्त करना पड़े, साथ में कई तरह की चैलेंज भी, लेकिन फिर भी तुम किसी भी सिचुएशन में सिर्फ अपने दिल की सुनो ताकि तुम आसानी से एक गॉड बन सको। इसके बाद हम देखते हैं कि अब टेंशन का सी गॉड इनहेरिटेंस स्टार्ट हो जाता है। वही ऐसा होने के तुरंत बाद टेंशन करता है, अब उसकी सोल पावर को सप्रेस कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डामिन के सोल बोन टेंशन के बॉडी से अलग होने लगती है। इधर वह सी गॉड का पजल पूरी तरह से घुमा घुमा के टेंशन के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है, जिस पर टेंशन उन सभी अटैकों से बचाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। सोल बोन को बॉडी से निकाले जाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है उसकी बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ थोड़ी जा रही है। इधर हम देखते हैं कि बाकी के श्रेक डेविल्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके सी गॉड इनहेरिटेंस दरवाजे को ओपन करके रखे होते हैं। इधर टेंशन उस पजल के अंदर लगातार बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी बॉडी से सोल बोन निकाली जाने की प्रोसेस का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके अलावा वह ये भी नोटिस करता है इस प्रोसेस में उसके सोल पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद डामिंग के सोल बोन पूरी तरह से टेंशन से अलग हो जाता है, जिस पर टेंशन दर्द के मारे हालत तो खराब हो जाती है, पर वह सोचने लगता है कि आखिर में इस प्रोसेस का पर्पस क्या है। तभी सी गॉड बताते हैं कि कोई भी पसन गॉड बन सकता है, बस उनके लिए इन लेवल को पार करना होता है। इधर हम देखते हैं कि अचानक से टेंशन के सामने कुछ होता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भयानक लाइटिंग होने लगती है, जिसके बाद टेंशन देखता है डामिंग के सोल बोन के अंदर से डामिंग के सोल वहाँ पर पूरी तरह से बाहर आ गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डामिंग की सोल वहाँ पर डिवाइन चैन से बांधा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ऊपर लगातार बिजली भी गिर रही होती है। वही टेंशन महसूस करता है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लगातार डामिंग के सोल डिसअपीयर्ड होती जा रही है, इसीलिए टेंशन पूछता है क्या सोल बोन के अंदर की सोल को डिस्ट्रॉय करने का यही एक रास्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंशन अपना सी गॉड ट्राइडेंट लेकर के डामिंग की सोल को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि डामिंग ने जीवू को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। वही हम देखते हैं कि डामिंग के सोल के ऊपर भयानक लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही होती है। इधर टेंशन अब डामिंग के सोल के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वह डामिंग के ऊपर लगी डिवाइन चैन को तोड़ने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि वहां पर सी गॉड लाइट के पावर आकर के टेंशन को पकड़ लेती है। तब टेंशन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ये टेस्ट मेरे एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है, क्योंकि यह पावर पूरी तरह से डिवाइन पावर से बनी हुई है। इसके बाद टेंशन उस डिवाइन पावर से छुटने के लिए कोशिश करते हुए कहता है अगर इस गॉड इनहेरिटेंस के बदले में मुझे डामिंग की सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो फिर अच्छा यही होगा कि मैं इस इनहेरिटेंस को ही रिजेक्ट कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डिवाइन एनर्जी की वजह से टेंशन पानी में डूबने लगता है और डूबते हुए डामिंग को देख करके सोचता है इस सिचुएशन में डामिंग उस लाइटनिंग स्ट्राइक को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से टेंशन अब खुद को शांत करता है और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।